Hi guys and welcome back to another video of Economics on Your Tips. आज आ गए हैं वीडियो नंबर 28 पे और उस 28वें नंबर की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं ग्राफ. कल हमने कुछ ग्राफ के बारे में आपको चीजें बताई थी जो कि आप लोगों को नहीं बताई जाती हैं, जो कि माना जाता है कि आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे. हमने कहा चलो जब आप धीरे धीरे सीखने ही वाले हैं तो हम एक बार आपको प्रॉपरली सिखा ही देते हैं. तो भाई ग्राफ पढ़ने के बाद आज बात करने वाले हैं, जैसा मैंने पिछली बार बताया था, वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल ग्राफ. यहां हमारा मेन फोकस रहेगा टाइम सीरीज ग्राफ के ऊपर क्योंकि आपका टॉपिक है. बट उस पूरे चैप्टर में से हमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिला. जो मिला बस वो ये था कि वन वेरिएबल ग्राफ और टू वेरिएबल ग्राफ क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं. पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि 8 मिनट की लूंगा पर वो डबल हो गई, 16 मिनट की करीब चली गई थी. बट इस बार की वीडियो छोटी लेंगे क्योंकि इस बार आपको बस छोटा सा टॉपिक समझाना है, वन वेरिएबल ग्राफ या टू और मोर वेरिएबल ग्राफ क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं. चलिए पहले बात करते हैं सिंगल वेरिएबल, देन बात करेंगे डबल वेरिएबल. सिंगल वेरिएबल ग्राफ, these are those in which values of only one variable are shown with respect to some time period. यानी कि एक ऐसा ग्राफ, यानी टाइम सीरीज ग्राफ की बात कर रहे हैं, पहले समझ लेना ठीक है. इसलिए मैं यहां पे पूरा आपको समझा दिया कि टाइम सीरीज ग्राफ के बेसिस पे वन वेरिएबल और टू वेरिएबल हमने यहां पे बता रहे हैं. these are those graph in which values of only one variable are shown with respect to some time period. Variable का मतलब जो अपनी value बदलता रहता है. तो भाई ये time period और ये हमारा variable production. अब production की value जो है वो बार बार बदल रही है इसलिए वो हो गया हमारा variable. उसकी value जनवरी में थी 5 क्विंटल, फरवरी में हो गई 7.5 क्विंटल, मार्च में हो गई 5 क्विंटल, अप्रैल में 10 क्विंटल, मई में 12.5 क्विंटल, जून में 15 क्विंटल. तो भाई प्रोडक्शन की वैल्यू बार बार बदल रही है तो वो हो गया हमारा वेरिएबल. तो यहां नीचे हम लेंगे डायरेक्ट मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. यहां मैंने मंथ्स ले लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. गाइस मेरा जो स्केल है वो सही नहीं है. देखो यहाँ पे मुझे भी दिख रहा है कि भाई एक मिनट सबर रखा जाए. देखिए हाँ जी हाँ ठीक है. तो भाई मैंने स्केल अपने हिसाब से एक एक सेंटीमीटर अंदाजन से लगा लिया है, आपको प्रॉपरली बनाना है ठीक है. यहाँ आपका हो गया ओरिजिन एज स्टेटेड अर्लियर. और मैंने भाई क्योंकि सारे पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव सिंगल अपना पहला क्वाड्रेंट ही क्रिएट किया जाएगा. अब देखो बात आती है स्केल लेने की वाई एक्सिस पर. मिनिमम वैल्यू चेक की जाती है और मैक्सिमम वैल्यू चेक की जाती है और उसके बेसिस पे स्केल लिया जाता है. यहां मिनिमम वैल्यू है 5 और मैक्सिमम वैल्यू है 12.5. तो हम यहां ले सकते हैं 0.5 का स्केल. बट 0.5 का अगर मैं स्केल लूंगा कि भाई पहले लगाया 0.5 फिर 1 फिर 1.5 तो 12.5 तक पहुंचते 25 नंबर आ जाएंगे भाई. 25 में तो ग्राफ खत्म हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं 1-1 का ही गैप लेते हैं ठीक है. अब यहां भी गड़बड़ हो गई. क्या गड़बड़ हो गई सर? 1-1 का भी अगर मैं गैप लेता हूं तो भाई 12 तक पहुंचने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 ठीक है. तो ये आपका 1-1 का गैप हो गया. अब चलो कोई बात नहीं, यहां सही लग रहा है. अगर यहां आपको सही ना लगे और प्रोडक्शन यहां चालू होता है 50 से और जाता है 120 तक तो मैं क्या करता है यहां पे, मैं यहां पे बनाता फॉल्स लाइन. फॉल्स लाइन का मतलब यहां लगाए दो कट और डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एज स्टेटेड अर्लियर. गाइस इसको आप यहां बनाना, पीछे की तरफ नंबर्स पीछे लिखना, मैंने आगे लिख दिए हैं ठीक है ना. पीछे लिख देना, हमको जगह नहीं थी. एज स्टेटेड अर्लियर कि भाई यहां पे अब आपका प्रॉपर ग्राफ जो है वो बन जाएगा क्योंकि हमने फॉल्स लाइन का भी इस्तेमाल कर लिया है ठीक है. अगर अपने अध्यापक को समझा दिया करो कि सर हमने ये चीज करी तो क्या लिखना है ग्राफ बनाने के बाद नीचे ये लिखा भाई ये दो लाइन जो है हमने बनाई है ये कौन सी लाइन है, ये गलत लाइन है, फॉल्स लाइन है. यानी कि ये इसलिए बनाई गई है जस्ट बिकॉज द ग्राफ स्टार्टेड फ्रॉम 5 एंड एंड फ्रॉम
एन टू टू 12.5 और हम जो है स्केल 1:1 का ले रहे थे। तो अब तो सिंपल हो गया, जनवरी में प्रोडक्शन है 5, फरवरी में है 7.5, मार्च में आ गया भाई वापस गिर के 5, अप्रैल में चला गया 10, मई में चला गया 12.5, जून में चला गया ओ माय गॉड जून में 15 है, हमने चेक नहीं किया भाई, ध्यान रखना मैं थोड़ी सी गलती हो गई है ठीक है ना, तो यहाँ 14 और यहाँ 15 भी ले लीजिए, मुझसे थोड़ी सी गलती बता नहीं सकते क्या पहले, ठीक है 15 है मैक्सिमम, तो यहाँ हम इसको 15 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जगह कम पड़ गई है, तो भाई मेरी तरह गलती ना करें। और ये आपके जो ग्राफ है ये ठीक है, अब देखो ये पूरा पेपर भी कवर हो गया है और थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी इसलिए आप उसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। 15 तक है, 10 नंबर लेने हैं तो आपकी चॉइस है कि आप 5-5 ले सकते हैं, 2-2 नंबर का गैप भी ले सकते हैं। अब भाई क्योंकि 15 तक था तो कॉन्फिडेंस बनाना बड़ा जरूरी था ठीक है ना, क्योंकि 10 नंबर ही आप लोगे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद ये एक्स ये वाई, यहाँ स्केल लिख दीजिएगा, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मंथ, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 क्विंटल। इसके बाद किसी चीज की कमी, एक चीज की कमी, ग्राफ के ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मंथ्स, ये आपकी हेडिंग हो गई, उसके बाद आपका ग्राफ पूरा बन जाएगा ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 वेरिएबल ग्राफ। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है 2 और मोर वेरिएबल ग्राफ। तो भाई 2 और मोर वेरिएबल ग्राफ जो है वो क्या कहता है, दीज आर द ग्राफ इन विच द वेरिएबल और 2 और मोर नंबर्स, द वेरिएबल ऑफ 2 और मोर देन 2, सॉरी वापस देखते हैं, दीज आर द ग्राफ इन विच वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल आर साइमल्टेनियसली शोन विद रेस्पेक्ट टू समथिंग रफ पेन, यानी यहां प्रोडक्शन की बात की गई थी, यहां प्रोडक्शन और सेल दोनों को इसी ग्राफ के ऊपर दिखाना है ठीक है। अब दोनों इसी के ऊपर आएंगे तो पहली चीज तो स्केल बड़ा भारी है, पहले तो हम यहां वो बना लेते हैं जो कि हमको बनाना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून ठीक है, ये आपके हो गए। अब यहां देखो, यहां क्योंकि मुझे दोनों चीजें प्लॉट करनी है तो दोनों का मिनिमम मैक्सिमम देखते हैं, इस पूरे ग्राफ में मिनिमम है 5 और मैक्सिमम है 17.5। अब अगर मैं 1:1 का भी लेता हूं तो भी 12 नंबर मुझे लेने पड़ेंगे, तो मैं यहां थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं, हम क्या करते हैं 5, 7.5, 10, 12.5, 15, वहां लेना पीछे की तरफ मैंने यहां ले लिया, और 17.5 और फिर 20, मैंने यहां 2.5 का गैप लिया, आप कितने का भी ले सकते हैं। और अगर ये छोटा लग रहा हो तो इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका, ये लाइन है हटा दिए 0, एक 2.5 भी यहां पे आ जाएगा ठीक है, 2.5 लिख देना ठीक है ना टीचर, कहेगा एक नंबर के चक्कर में तूने गड़बड़ कर दी मुन्ना ठीक है, तो चलो मैं भी लिख देता हूं 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 एंड 20, यार ये चीज तो हम यहां भी कर सकते थे, ध्यान रखना जरा ठीक है। तो भाई जनवरी पहले प्रोडक्शन की बात करते हैं, हो गया 5, आ जाओ 5 पे लाओ, फरवरी 7.5, मार्च वापस से 5, अप्रैल में उठ के चला गया ये 10 नंबर पे, मई में ये उठ के चला गया 12.5 नंबर पे, और जून भाई में ये चला गया सीधा 15 नंबर पे, इसको हमने प्लॉट कर दिया। सेल्स की बात करते हैं, सेल जो है वो जनवरी में गया 7.5, फरवरी में गया 10, मार्च में आया वापस 7.5, अप्रैल में गया 12.5, मई में गया 15, और जून में गया 17.5। अब देखो यहां मैं सेम लाइन नहीं बनाऊंगा क्योंकि सेम लाइन प्रोडक्शन के लिए हो गई, तो यहां बना दी डॉटेड लाइन जो कि डिनोट करती है सेल्स को ठीक है। अब ये बताना पड़ेगा सेल्स को, तो ऊपर लिख देना डॉटेड लाइन सेल्स और सीधी लाइन प्रोडक्शन
ठीक है, अगर लाइन क्रॉस भी कर जाएगी यहाँ से यहाँ आई तो यहाँ ये चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। वही काम पूरा करना है जो हमने यहाँ किया था। स्केल लिखिए एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, ऊपर हेडिंग डालिए प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ डिफरेंट मंथ और पूरे, और नीचे मंथ, यहाँ भी यहाँ मंथ और यहाँ क्विंटल्स लिख देना, यहाँ पे भी क्विंटल्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज याद रखना, ये पूरा ग्राफ इसी तरीके से करना है और पूरे नंबर आपको पाने हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी जगह। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। डू लाइक कमेंट शेयर एंड